गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये काफी दिनों के बाद में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये हिटेची का प्लाज्मा है 42PD380TA। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। तो जब ही हमने इसको चेक किया तो ये जो हमारी पावर सप्लाई है, इसके VA VS वोल्टेज नहीं बनते हैं। जो हमारे कनेक्टर पे VA VS वोल्टेज बनने चाहिए हैं, वो वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। जिसकी वजह से हमारा सेट ऑन नहीं होता है। स्टैंड बाई से रिलीज होता है ये, तो हम इसकी ये पावर निकाल के अभी इसको चेक करेंगे। पावर सप्लाई हमने चेक किया तो जो हमारा PFC वोल्टेज है ना, ये दोनों फिल्टरों पर, ये जो दो फिल्टर हैं, ये PFC वोल्टेज जो है वो हमारे 350 वोल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये सेकेंडरी सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। मैंने अपने कई वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब तक हमारा PFC वोल्टेज नॉर्मल नहीं होगा, 380, किसी में 390, किसी में 400 वोल्ट है, जब तक ये वोल्टेज हमारा PFC का नॉर्मल नहीं होगा, हमारा कोई भी वोल्टेज सेकेंडरी में नहीं बनेगा, VA VS वोल्टेज नहीं बनेगा। हमने क्या किया, इसका सर्किट जो है, इसका जो फीडबैक सर्किट है, ये इसको ड्राइव करने के लिए IC लगी हुई है PFC की। इसको ड्राइव करने के लिए जो IC लगी है वो ये है, ये IC है इसकी ड्राइव करने की। तो जब भी हमारा PFC वोल्टेज लो होता है तो क्या होता है कि आउटपुट टू इनपुट वाला जो फीडबैक रहता है, आउटपुट टू इनपुट वाला जो फीडबैक है, वो फीडबैक वापस IC को नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अभी हम अगर ट्रेस करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटर का ये जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड से ये ट्रैक हमने दिखाया है। यहाँ पर दो अलग अलग पाथ इन्होंने बनाया है, एक से लो डिटेक्ट किया है, एक से हाई डिटेक्ट किया है। एक यहाँ पर 270 के और 220 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ से इन्होंने ना दो पाथ सेपरेट कर दिए, एक लो डिटेक्ट करने के लिए चला गया और एक हाई डिटेक्ट करने के लिए चला गया। ये आगे जाके IC को चला जाता है, ये दोनों। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये कोल्ड टेस्ट में तो हमें नॉर्मल दिखाती है। हमने क्या किया, इन रेजिस्टेंसों को थोड़ा हीट किया। हीट करने के बाद में जब हमने ये सप्लाई चेक की तो हमारा 10 वोल्ट बढ़ गया, मतलब 350 से 360 वोल्ट हो गया। तो एक तरीके से हमें कंफर्मेशन मिला कि इसी सर्किट में ही कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, जैसे आप ये देख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ये रेजिस्टेंस हमने ब्लाइंडली चेंज कर दी। ब्लाइंडली चेंज करने की वजह से क्या हो गया, आप देखिए, मतलब 390 वोल्ट हमारा बन गया। इसका मतलब हमारा VA VS भी बनेगा। अब हम इसको ना सेट में लगाते हैं। अभी हमने पावर इसके अंदर लगा दिया है। लगाने के बाद में VS वोल्टेज 184, जैसा कि आप देख रहे हैं 184 आ गया। इसके बाद में 65 VA वोल्टेज, ये 5 वोल्ट,
जेड बोर्ड पर 6973 वोल्ट, अभी हमारे सारे वोल्टेज ये नॉर्मल है, ये हमारा सेट ऑन हो गया। दोस्तों इसी तरीके से मेरे वीडियो लाइक करते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो जितने भी हैं प्लाज्मा के मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आपका कोई अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल में कोई प्रॉब्लम आया है और आप उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को लाइक करें और फेसबुक पर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।